सब्सक्राइब करिए यूसुफ टेक जोन चैनल को और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है यूसुफ। यूसुफ टेक जोन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं करूंगा रियलमी 6i और रेडमी नोट 9 का फुल कंपैरिजन और लास्ट में बताऊंगा अपना ओपिनियन कि आपको 1000 रुपीज ज्यादा दे के रियलमी 6i लेना चाहिए या 1000 रुपीज कम दे के रेडमी नोट 9 लेना चाहिए। तो मैं फुल कंपैरिजन करूंगा, लास्ट में आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। सो लेट्स गो। Realme 6i दो कलर वेरिएंट में मिलता है और Redmi Note 9 तीन कलर वेरिएंट में। Redmi Note 9 Realme 6i से 9 ग्राम वेट ज़्यादा है क्योंकि इसका बैटरी भी काफ़ी बड़ा है Redmi Note 9 का। Realme 6i हल्का सा थिक आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसका थिकनेस 8.9 mm है और Redmi Note 9 का 8.75 mm है। डिस्प्ले की बात करें तो Realme 6i में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और Redmi Note 9 में 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD देखने को मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। Realme 6i का 2400x1080p का रेजोल्यूशन है और Redmi Note 9 में 2340x1080p का रेजोल्यूशन है। Realme 6i में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 है और Redmi Note 9 में गोरिल्ला ग्लास 5 लगाए गए जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है। और Realme 6i में 405 PPI है और Redmi Note 9 में 395 PPI है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो Realme 6i में 90.5% है और Redmi Note 9 में 83.5% है जो कि Realme 6i से कम है। कैमरा की बात करें तो दोनों में सेम कैमरा दिया गया है 48 MP f/1.8 एपर्चर वाला, सैमसंग GM2 सेंसर दोनों में लगा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। LED फ्लैश दोनों में है और Realme 6i में फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है 16 MP f/2.0 एपर्चर का और Redmi Note 9 में 13 MP f/2.3 एपर्चर का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप आप लोग देख सकते हैं, Realme 6i का कॉर्नर में दिया गया है और Redmi Note 9 का सेंटर में दिया गया है स्क्वायर शेप में। हार्डवेयर की बात करें तो Realme 6i में MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बना है और Redmi Note 9 में MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। Realme 6i में Mali का G76 GPU है और Redmi Note 9 में G52 GPU है और दोनों में ही LPDDR4X RAM है। और स्टोरेज टाइप की बात करें तो Realme 6i में UFS 2.1 है और Redmi Note 9 में eMMC 5.1 दिया गया है जो कि काफ़ी स्लो है Realme 6i से। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और Realme 6i में Realme का UI दिया गया है और Redmi Note 9 में MIUI 11 दिया गया है। हालांकि MIUI 11 में थोड़ा आपको ऐड देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ऐड आता है Realme UI से। बॉडी की बात करें तो दोनों फ़ोन में प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का है और दोनों ही फ़ोन को स्प्लैश प्रूफ बनाया गया है जिससे कि आप बारिश में हल्का फुल्का ले जा सकते हैं इस फ़ोन को। बैटरी की बात करें तो Redmi Note 9 में बड़ा बैटरी देखने को मिलता है Realme 6i से और दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Redmi Note 9 आपका 22.5 W का चार्जिंग सपोर्ट करेगा और Realme 6i 30 W का चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन बॉक्स में आपको 20 W का ही चार्जर देखने को मिलेगा और Redmi Note 9 में आपको बॉक्स में ही 22.5 W का चार्जर मिल जाएगा। ओवरऑल बैटरी बैकअप Redmi Note 9 का काफ़ी अच्छा रहेगा Realme 6i से। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है जिसमें कि 2 SIM और SD कार्ड साथ में लगा सकते हैं और दोनों में USB टाइप सी है और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है और Redmi Note 9 में IR सेंसर भी दिया गया है जिससे कि आप AC और TV को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फेस अनलॉक भी है। Realme 6i में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और Redmi Note 9 में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है। वेरिएंट्स की बात करें तो Realme 6i में 2 वेरिएंट आता है जिसमें कि आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999 रुपीज़ और 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,999 रुपीज़। और Redmi Note 9 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999 रुपीज़
और 4 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999 रुपीज, और 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,999 रुपीज। तो आप लोगों ने देख लिया रियलमी 6i रेडमी नोट 9 का फुल कंपैरिजन। दोनों फोन में ओवरऑल काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि रियलमी 6i में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, और प्रोसेसर मीडियाटेक का हिलियो G90T मिलता है, और स्टोरेज टाइप भी काफी अच्छा दिया गया UFS 2.1। और रेडमी नोट 9 का बात करें तो उसमें मीडियाटेक का हिलियो G85 मिलता है, जो कि G90T से काफी स्लो थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, और स्टोरेज टाइप भी इसमें थोड़ा स्लो दिया गया eMMC 5.1, जो कि UFS 2.1 से काफी स्लो है। लेकिन इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, 5020mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोनों फोन काफी अच्छा है, स्पेसिफिकेशन दोनों का काफी अच्छा है। रेडमी नोट 9 का आप लोगों को बेस्ट वेरियंट ही लेना ठीक होगा, क्योंकि उससे अपर वेरियंट में जाएंगे तो आप लोगों को वैसे भी स्टोरेज टाइप काफी स्लो मिल रहा है, अपर वेरिएंट लेना ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोगों को रेडमी नोट 9 अगर 12,000 रुपीज ही देना है तो आप रेडमी नोट 9 ले सकते हैं। अगर आप 12,000 रुपीज से बढ़ा सकते हैं 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो आप रियलमी 6i ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। मैं रहता तो रियलमी 6i ही लेता, क्योंकि इसमें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है, बैटरी थोड़ा सा कम दिया गया है, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है, मैं रियलमी 6i ही लेता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप इन दोनों में से कौन सा फोन ले रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो करिए, यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिखता होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, टेक केयर।